फैमिली के बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास सल्यूट। पुष्पा दो सात ब्लॉक में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। अभी ब्लॉक की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 5:30 बजे से, तो मैं ड्यूटी से आ गई हूँ घर। रेडियो, टीवी, घड़ी और बहुत सारे मनोरंजन के जो साधन है ना, धीरे धीरे लुप्त होते चले गए। तो आज लोग एक फोन में सिमट के रह गए, लेकिन आज भी ना हमारे पहाड़ों में जो रामलीला है तो वो पूरे हर्षोल्लास से मनाई जाती है। 2-3 महीने पहले से ही हमारे जो पात्र होते हैं तो वो लोग रिहर्सल करना स्टार्ट कर देते हैं, और कड़ी मेहनत के बाद हर एक एक शब्द को वो बिल्कुल गा गा के इतनी प्यारी रामलीला यहाँ पे करते हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। जो भी हमारे साथी दूर दूर बैठे हैं, आज हमारे गांव को छोड़ के परदेश चले गए हैं, तो उन्हें भी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने गरुड़ ब्लॉग की रामलीला हर रोज़ दिखाने का प्रयास करूँगी। तो आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग में और उठाएं हमारे पहाड़ों की रामलीला का लुप्त, जो कि पुरुषोत्तम राम जी के जन्म से लेकर पूरे वनवास से लेकर राजपाट तक का पूरा वर्णन हमारे रामलीला में किया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे पात्र वहाँ पे प्रतिभाग करते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। भले ही ना आज युग हो गया हो फोन का, लेकिन आज भी ना हमारे दर्शक लोग बहुत सारे आते हैं रामलीला देखने के लिए, और बहुत सारी भीड़ चहल पहल देखने को मिलती है। तो आज जो हमारी रामलीला में मेन है ना, वो है कि जो विश्वामित्र होते हैं वो राम और लक्ष्मण को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने पास ले जाते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो तपस्या होती है ना उसको राक्षस लोग भंग करते रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो तपस्या भी मेरी पूरी हो, और साथ ही साथ हमारे जो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी हैं वो ताड़िका का वध भी करते हैं, और जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को वो श्राप दिए रहते हैं कि पत्थर शिला बन जा करके, तो उनका भी उद्धार करते हैं। आज आप लोगों को रामलीला के माध्यम से ये सब देखने को मिलेगा, तो आप बने रहें मेरे ब्लॉग में। आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हे मुनिनाथ, राम लक्ष्मण मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इन दोनों पुत्रों को श्री विश्वामित्र जी की सेवा के लिए भेजता हूं। हे पुत्रों, तुम वन में जाकर महर्षि के यज्ञ की रक्षा करना, यही हमारा क्षत्रिय धर्म है। Yeah।
इन बालकों को आपको सौंपता हूं। जय हितार्थ, यही आपका धर्म है। प्रणाम से यशस्वी भवः। और लक्ष्मण को अपने आश्रम की ओर ले जाते हुए गुरु विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम ले जाते हैं, जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा गुरु जी के सानिध्य में होगी। अपने गुरु विश्वामित्र की विष्णु करते हुए अपने विकराल रूप में दंडक भगवान को प्रवेश कर रही है। राक्षसों की चाची राक्षसी कालिका करती हुई विश्वामित्र मुनि के आश्रम से प्रवेश करती हुई राक्षसी कालिका आ गई है।
दुष्कारिका सदा ही यज्ञ में विध्वंस करती है। हे राघव शीघ्र इसका वध कर डालो। Yeah.
अरे क्या चीज कैसे खत्म हो गई, हमें तो संदेह होता है। चलो पता करते हैं। अश्विन शुक्ल को मेष लग्न शुभ मुहूर्त में मेरी पुत्री जानकी के विवाह स्वयंवर एवं धनुष यज्ञ महोत्सव होना सुनिश्चित हुआ है। कृपया इस महोत्सव में शिष्य मंडली सहित पधार कर मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें। किसी की नारी
अमूल्य शिला रूप में विराजमान है। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या शिला रूप में विराजमान है, जहां भगवान राम के चरण स्पर्श करते ही वह पुनः मनुष्य रूप में चैतन्य हो जाती है। अहिल्या गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या की है। मुनि ने बिना अपराध के ही इन्हें श्राप दिया हुआ है और तब से यह अहिल्या शिला रूप में यहीं पर पड़ी हुई है। हे राघव, तुम्हारे चरणों की धूल के प्रभाव से इसका उद्धार होना सुनिश्चित हुआ है, अतः इस शिला पर चरण स्पर्श करें। जो आज्ञा आयुष्मान भव।